आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा आदाब। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। और पहले मैं ये बताना चाहूँ कि जो हमारी YouTube चैनल है, यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है, उसका नाम है पटवारी सीरीज़। और उस प्लेलिस्ट में उर्दू के बहुत सारे लेक्चर्स हैं, ऑलमोस्ट 12 लेक्चर्स आर ऑलरेडी देयर। और उसमें एक लेक्चर ये भी है, डिटेल डिस्कशन सिलेबस का, जो उर्दू पटवारी का उर्दू सिलेबस है, उसमें मैंने इन डिटेल आपको एक्सप्लेन किया है कि उर्दू जो सिलेबस है किन टॉपिक्स से है, और मार्क्स जो 50 है उनका कैसे पहले आपको क्वालिफाई करना है, और किस तरीके से कितने मार्क्स किस टॉपिक से आएंगे, तो वो मैंने सारा कुछ उसमें बताया है। तो जिसको भी सिलेबस में कोई डाउट है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में कोई डाउट है, वो जाके पटवारी सीरीज़ जो है वहाँ पे प्लेलिस्ट, उसमें से फोर्थ है लेक्चर, सेकंड लेकिन ऑर्डर में वहाँ पे फोर्थ वाला जो लेक्चर है वो आप चेक कर लें, ठीक है। आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है, सो मैंने आज कुछ और वर्ड्स यहाँ पे लाए हैं, उर्दू के अल्फाज मैंने लाए हैं, थोड़ा सा आपको फिर से बूस्ट अप करने के लिए, और आप थोड़ा सा फिर से उर्दू के साथ इन्वॉल्व हो जाए। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू दोज जिनकी उर्दू वीक है, ठीक है, जिनकी उर्दू कमज़ोर ही है, उनको मैं ये बताना चाहूँगी, या तो आप जो मैंने सिलेबस में पढ़ाए हैं कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ से क्वेश्चंस आने हैं, या तो किसी कोई भी 10th क्लास लेवल तक का ग्रामर हो उससे पढ़े, या NCERTs जो छोटे बच्चों की होती है उर्दू की वो पढ़े, या आप उर्दू न्यूज़पेपर पढ़ा करें, जिससे क्या होगा कि आपकी जो उर्दू वोकैबुलरी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और ये जो जुमले हैं वो लिखने कैसे हैं वो भी समझ आएंगे। हालांकि मैंने ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स यहाँ पे है अवेलेबल उस प्लेलिस्ट में, जिसमें मैंने जितना भी इम्पॉर्टेंट आपको ग्रामर पता होना चाहिए उर्दू का, या आपको पता होना चाहिए कि जुमले कैसे बनाते हैं, मतलब सही और गलत जुमले, तो वो आप ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पढ़ा है। तो चले कुछ जो यहाँ पे मैंने आज लाया है वो हम देख लें। देखिए ये दो जो वर्ड्स हैं उर्दू में, मैंने हिंदी में भी यहाँ पे ट्रांसलेशन करके और इंग्लिश में भी लिखा है, और ये वाहिद जमा है, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। मरहला, अब ये भी देख लें कि लिखते कैसे हैं। मरहला, मीम रे हाई लाम है, मरहला, मरहला हो गया स्टेज, एक स्टेज, एक मरहला, दो मरहले, ठीक है। तो अब इसका जमा जो है मराहिल, जब बहुत सारे स्टेज होंगे, मराहिल, मीम रे अलिफ हाई लाम, मरहला, मराहिल, स्टेज और स्टेज, ठीक है, ध्यान में रखें लिखते कैसे। ये कुछ ऐसे वर्ड्स मैंने लाए जो आपको कहीं ना कहीं आपको यूज़ कर भी सकते हैं, हमेशा आप यूज़ कर सकते हैं, ये ज़रूरत पड़ती ही है जो टॉपिक्स, जैसे आपको एप्लीकेशन लिखनी होती है, मज़मून लिखना होता है, ठीक है, या आपको ट्रांसलेशन करनी पड़ती है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मरहला स्टेज को बोलते हैं, मराहिल स्टेज को बोलते हैं। उसके बाद पहला जो वर्ड है अमन, ठीक है, अमन मतलब पीस, ठीक है, जहाँ पे कोई टेंशन ना हो, जब आप आराम से बैठे हो, जब आपका दिल मुतमईन हो, तो अमन बोलते हैं, या जहाँ पे कोई गलत चीज़ ना हो रहा हो वहाँ पे हम बोलते हैं कि अमन का शहर है, अमन है, पीस है, ठीक है, अलिफ मीम नून, अमन, ठीक, ये समझ आया। उसके बाद अमान मतलब प्रोटेक्शन, हम बोलते हैं कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, ठीक है, हिफ्ज़ो अमान मतलब प्रोटेक्शन, अपनी प्रोटेक्शन में रखे, ठीक है। तो अमन हो गया पीस, अमान हो गया प्रोटेक्शन। आपने यूजुअली सुना होगा ना कि हम बोलते हैं लास्ट में दुआ देते हैं जब कोई जाता है, तो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें, तो अमान का मतलब होता है प्रोटेक्शन, ठीक। उसके बाद मामून, मामून का मतलब होता है सेफ, वो मामून जगह पे पहुंची, वो सेफ जगह पे पहुंची, शी रीच्ड एट अ सेफ प्लेस, ठीक है, मामून, क्योंकि आपको ट्रांसलेशन भी करनी होती है, 10 मार्क्स होते हैं ट्रांसलेशन की, ठीक है, मामून सेफ, वो मामून जगह पे पहुंची, शी रीच्ड एट सेफ प्लेस, मामून का मतलब होता है सेफ, ठीक। उसके बाद है अमानत, अमानत,
अब ये हम बोलते कि ये मेरी अमानत है आपके पास, कोई चीज़ किसी के पास रखते हैं तो वो भरोसे के साथ रखते हैं तो उसको बोलते हैं अमानत। जैसे एनीथिंग गिवन इन ट्रस्ट, अमानत। या बोलते कि मैं अमानत की खयानत नहीं कर सकता, उसने मेरे पास, ये मेरी अमानत है उसके पास। अगर कोई बच्चा आता है कि ये क्या है, हम बोलते कि इसके साथ मत छेड़ो, ये किसी की अमानत है, किसी ने मुझे ये भरोसे के साथ मेरे पास रखी है, किसी ने भरोसे के साथ मुझे दी है, ठीक है। तो अमानत हो गया एनीथिंग गिवन इन ट्रस्ट। यहाँ तक समझ आया? इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है आपके लिए, याद रख लीजिए। उसके बाद गाफिल हो गया जो बिल्कुल नेग्लिजेंट, ठीक है, जो बिल्कुल इस दुनिया में नहीं है ना, वो बस केयरलेसनेस दिखाता है फिर, ठीक है। वन हु इज नेग्लिजेंट, उसको हम बोलते हैं गाफिल, ठीक है, गाफिल। यहाँ तक समझ आया? गैन अलिफ फे लाम, गाफिल, देख लीजिए, नेग्लिजेंट। अब देखो, जिस स्टेट में वो गाफिल होता है ना, उसको हम बोलते हैं गफलत, जिस स्टेट में होता है, दैट मीन्स गफलत मतलब ये एक स्टेट है, गफलत, ये गफलत की दुनिया में रह रहे हैं, ठीक है। केयरलेसनेस मतलब ये केयर ही नहीं करते हैं, और जो इंसान ऐसा होगा गफलत की दुनिया में होगा, उसको हम बोलते हैं गाफिल, ठीक है। वन हु इज नेग्लिजेंट इज कॉल्ड इन उर्दू एज गाफिल, एंड द स्टेट इन विच ही इज नोन एज गफलत, दैट मीन्स केयरलेसनेस। यहाँ तक समझ आया? गैन फे लाम ते गफलत। उसके बाद है तगफुल, नेग्लिजेंस, ठीक है, नेग्लिजेंस, नहीं जब हम किसी पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक, तगफुल, ठीक, नेग्लिजेंस। जैसे इकबाल का एक शायर भी मशहूर है बहुत, तगफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, ठीक है, तगफुल मतलब नेग्लिजेंस, ठीक। चले इसके बाद मुगफल मतलब इनअटेंटिव, ठीक है, इनअटेंटिव मतलब मुगफल, ठीक है। सो इट डिटरमाइंस अ स्टेट, यूजुअली गाफिल, गफलत, तगफुल, मतलब इट शोज अ पर्सन हु इज away from his duty, who is living in other world, who shows carelessness. So whenever you have to translate from English to जब आपको इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेट करना पड़ता है, मैंने आपको बार बार बोला कि अगर दो या तीन बच्चे ट्रांसलेशन करते हैं, ज़रूरी नहीं है उनकी ट्रांसलेशन बिल्कुल एकदम कॉपी होगी एक दूसरे की, दैट कैन वेरी, क्योंकि बहुत सारे साइनोनिम्स होते हैं, हम मुतरादिफ अल्फाज होते हैं, ऐसे अल्फाज जिनके माने सेम हो लेकिन वो डिफरेंट दिखते हैं, तो वो डिफरेंट इंसान डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए आपको पता होनी चाहिए। और जब भी आप कोई जैसे मज़मून लिखते हैं, आपको पता है सोशल रिलेवेंस पे ही मज़मून आएगा, तो उस एतबार से भी ये जो अल्फाज हैं ये ज़रूरी हैं। तो इस जैसे अल्फाज आप खुद भी पढ़ें, तभी मैं आपको बोलती हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, उसमें आपको जो उर्दू वोकैबलरी इंक्रीज़ हो जाती है और ये भी पता चलता है कैसे लिखना है। उसके बाद नून वाव रे, इन तीन हरूफ को जब हम मिलाते हैं, नून वावरे, तो क्या क्या बन सकता है, तो क्या नून वावरे किन में होता है? देखो पहले नूर, नूर मतलब लाइट, बोलते ना हम इसके चेहरे पे नूर है, इसके चेहरे पे नूर बरस रहा है, मतलब हिज और हर फेस इज ग्लोइंग, ठीक है। तो वेन एवर एनीथिंग वी सी एनीथिंग ब्राइट और लाइटिंग और विद लाइट्स और एनीथिंग चार्मिंग और ग्लोइंग वी से दैट नूर, नूर मतलब लाइट, समझ आया, नूर मतलब लाइट। उसके बाद है मुनीर, मुनीर मतलब शाइनिंग। हम जब कोई नात लिखते हैं या जब भी हमें कोई तारीफ करनी होती है, यूजुअली जो मुस्लिम होंगे आप उनको पता है कि हुजूर सल्लम की जब हम तारीफ करते हैं या कभी और भी हम जब किसी की तारीफ करते हैं तो हम लिखते हैं उसमें कि मुनीर, बशीर, मुनीर, ठीक है, इनके बिकॉज ये जो नाम है इनके मतलब बहुत ही आला है, शाइनिंग, ठीक है, मुनीर का मतलब होता है शाइनिंग हमेशा। तो ये नूर मुनीर है ना, तो ये हम तारीफ में ही लिखते हैं और किसी को अप्लॉड अप्रेज करने के लिए ही लिखते हैं। तो मुनीर वत का मतलब होता है शाइनिंग, मीम नून यरे।
और लिखने का तरीका भी देखो, ठीक है? आप जल्दी में लिखते हैं तो फिर वो टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, बट जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है आपकी लिखाई साफ दिखेगी, खुशखत दिखेगी, ठीक। उसके बाद है मुनव्वर। हम बोलते हैं कि मुनव्वर कर दे मेरी जिंदगानी, तो मुनव्वर का मतलब होता है इल्यूमिनेटेड, मतलब कि रोशन कर दे, मतलब ये दे आर इंटरकनेक्टेड वर्ड्स, लाइट शाइनिंग एंड इल्यूमिनेटेड, मतलब ऐसे रोशन करना कि जहाँ पे हर तरफ से हिज लाइफ हिज हाउस गॉट इल्यूमिनेटेड, हिज लाइफ गॉट इल्यूमिनेटेड। हम बोलते हैं कि मुनव्वर कर दे मेरी जिंदगानी, मुनव्वर मतलब होता है इल्यूमिनेट करना, कि मतलब एक अच्छा सा उजाला करना, ठीक है? तो नूर, मुनीर एंड मुनव्वर, ठीक है। उसके बाद तोहमत। तोहमत हम बोलते हैं एक्यूजिशन, जब हम किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, ठीक है। तोहमत मतलब वो अभी हम ऐसे ही बोलते हैं कि ऐसे हुआ है, मतलब अभी रूमर बेस्ड होता है लेकिन हम बोलते हैं किसी के लिए रिलेटेड, तोहमत एक्यूजेशन, ठीक है। उसके बाद है एतिहाम। एतिहाम मतलब ब्लेम, किसी पे ब्लेम करना, ये सारे इंटरकनेक्टेड वर्ड्स हैं, किसी पे ब्लेम करना कि आपने ये किया है, ठीक है। तोहमत हम लगाते हैं कि उसने ये किया है, और जब हम किसी को बोलेंगे कि आपने ये किया है, हम उसने उस पर ब्लेम किया, उसको आपकी वजह से ही हुआ है, ठीक है। उसके बाद है बोहतान। हम बोलते हैं किसी पे बोहतान ही लगाना, फॉल्स इम्प्यूटेशन, मतलब एक हो गया कि तोहमत लगा दी, ठीक है। उसके बाद है हमें पूरा पता है कि मतलब इसे गलत बोला है, ये इट्स नॉट ट्रू, ठीक है। तो बोहतान हो गया, फॉल्स जब भी हम इस पर लगाते हैं। इफ्तरा हो गया डिफेमेशन, जब किसी को हम डिफेम करते हैं, किसी के नाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह बचाए, ठीक है। तो उस टाइम हम उसको जो बोलते हैं डिफेमेशन, ठीक है, डिफेमेशन, किसी को डिफेम करना, इफ्तरा। उसके बाद इल्ज़ाम, एक्विजिशन या चार्ज, ये तोहमत एंड इल्ज़ाम इज वन एंड द सेम थिंग। आप तभी मैं बोलती हूँ जब आप ट्रांसलेट करते हैं, अगर एक्विजिशन वहाँ पे होगा तो आप तोहमत भी लिख सकते हैं, इल्ज़ाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? सारे इंटर रिलेटेड वर्ड्स हैं। उसके बाद तहसीन। तहसीन मतलब खराज तहसीन पेश करते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं हम खराज तहसीन पेश करते हैं, दैट मीन्स प्रेज, किसी को प्रेज करना। और ये भी ध्यान में रख लीजिए कि लिखते कैसे, ते हाई सीन ये नून। तौसीफ, उलोजी, ठीक है। तारीफ, एडमायरेशन। सताइश, एप्रिसिएशन। तो ये भी इंटरकनेक्टेड है, जब भी हमें किसी की तारीफ करनी होगी, हम कहीं यूजुअली कोई चीफ गेस्ट आता है तो हम उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं, तो वो एक तरह से तारीफ होती है, एडमायरेशन होती है, एप्रिसिएशन, मतलब ये सारे यूलॉजी, ये सारे वर्ड्स जैसे एप्रिसिएशन, सताइश। तो किसी को भी प्रेज करना, किसी को भी एक बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ठीक है। और लेकिन इन अ पॉजिटिव वे, ये नहीं कि बस ऐसे ही किसी की तारीफ कर लिए, इन अ पॉजिटिव, खराज तहसीन किसी को पेश किया, किसी को अवार्ड दिया और उसके साथ उसकी तारीफ भी की, तो उसी को बोलते हैं तहसीन, तौसीफ, तारीफ, सताइश, ठीक है। एंड उसके बाद है धुंध। धुंध का मतलब होता है फॉग, जैसे हमें मतलब आज धुंध है, गाड़ी आहिस्ता से चला रहा, आज धुंध है, जब हमें कुछ दिखता नहीं है तो फॉग होता है, एक्चुअली विंटर में होता है। आलूदगी मतलब पोल्यूशन, आपको पता है कि एयर पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है, आलूदगी उसको हम बोलते हैं, अलिप मदा लाम वा दाल गाफिये। फिज़ा हो गया एटमॉस्फेयर, यहाँ की फिज़ा बहुत अच्छी है, यहाँ की फिज़ा बहुत पुरसकून है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर यहाँ का, ठीक है, या जो हवा चल रही होती है उसको भी बोलते हैं। नफस हो गया ब्रेथ, समझ आया? धुंध, फॉग, आलूदगी, पोल्यूशन, फिज़ा, एटमॉस्फेयर, नफस, ब्रेथ। तो उसके बाद कसूर। कसूर मतलब फॉल्ट, किसका कसूर था, मेरा कसूर था क्या, ये मेरा फॉल्ट था क्या, ठीक है। तो कसूर मतलब फॉल्ट। तकसीर मतलब एरर, कोई गलती जब किसी होती है। जुर्म, क्राइम, जब कोई क्राइम करता है, कोई
कोई ऐसा जुर्म करता है, किसी को मारता है, किसी को किडनैप करता है तो, या चोरी करता है, तो उसको क्राइम, जुर्म बोलते हैं, गुनाह, सिन। जब हम बोलते हैं ना कि गुनाह ही कबीरा, गुनाह ही सगीरा, तो गुनाह जब भी कोई गलत काम करता है जो रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोलते हैं, तो हम बोलते हैं कि सिन, ही इज़ अ सिनर। खता, खता मतलब मिस्टेक, किसी की कोई, किसी से कोई गलती हो गई, किसी से कोई गलती हो गई, हम बोलते हैं खता हो गई, ये किसका कसूर था। देखिए अब जब स्टेटमेंट है, सेंटेंसेस में इसको यूज़ करते हैं तो उस टाइम इनका मतलब डिफरेंट में दिखता है। और देखो इनका ये इंटरलेटेड है, हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं, मगर जब सेंटेंस किस तरीके का होगा उस टाइम वैसा ही लफ्ज़ यूज़ होता है। जैसे ये किसका कसूर था, ठीक है, ये किसने तकसीर हो गई, किसने जुर्म किया, या कौन मुजरिम है, जुर्म करने वाले को हम मुजरिम बोलते हैं, आपने ऐसा गुनाह कैसे कर लिया, मुझसे खता हो गई, ठीक है। तो ये सब आई होप कि आपको समझ आए होंगे। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे एंड आई थॉट दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट वर्ड्स फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज यू नीड टू राइट दोज वर्ड्स, यू कैन राइट दीज वर्ड्स इन एनी ऑफ द एसे और एप्लीकेशन, सो और इट मे हेल्प यू इन इंग्लिश उर्दू ट्रांसलेशन और उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन। सो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख भी सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये लेक्चर कैसा लगा। तो वी विल मीट इन अनदर लेक्चर, टिल देन हैव नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।